भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना रुसलबानी का वीडियो रिलीज कल होगा और ही खेसारी लाल यादव के भी एक सॉन्ग का वीडियो रिलीज होगा। गाने का नाम है एक्शन से भरपूर। जी हाँ, वैसे भी हम आपको बता दें कि इन दोनों की टक्कर लगातार होती आ रही है। खैर, हम टक्कर की बात नहीं करेंगे, आज हम पवन सिंह के गाने रुसलबानी का की बात करेंगे, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये गाना लॉकडाउन में रिकॉर्ड तो किया गया था लेकिन इसका ऑडियो रिलीज़ नहीं किया गया। इस गाने का डायरेक्ट वीडियो रिलीज़ किया गया है। आपको बता दें कि इस गाने को लिखा है पवन सिंह के फेवरेट अरुण बिहारी ने और गाने में म्यूज़िक दिया है छोटे बाबा ने। साथ ही साथ ये गाने का कल वीडियो रिलीज़ होगा और पवन सिंह के फैंस को बैक टू बैक एक एक करके जिस तरह से पवन सिंह गिफ्ट दे रहे हैं अपने गानों का, उसे देखकर ये लग रहा है कि पवन सिंह के फैंस इस नशे से, इस खुमार से उतरना ही नहीं चाहते। वैसे पवन सिंह के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मीठा मीठा बात है कमरिया 95 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, ये पवन सिंह का एक और कामयाब गाना है और ये गाना 95 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा आपको ये बता दें कि पवन सिंह का एक गाना जो कि हिंदी में था, आप समझ गए हम बात कर रहे कमरिया हिला रही है कि, जी हाँ, इस गाने के जो लाइक्स हैं 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं। जो लोगों को ये शिकायत रहती है कि पवन के गानों को कोई पसंद नहीं करता, तो खैर उनके लिए हम ये कह दें कि इस गाने की जो लाइक्स है 1 मिलियन पहुंचने जा रहे हैं, जो कि पवन सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनका एक गाना 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर रहा है। और आगे हम आपको बात करें तो आपको बता दें कि कल रुसलबानी तो रिलीज़ होगा ही होगा, उसके साथ ही पवन सिंह चांदनी मूवी की शूटिंग में जिस तरह व्यस्त हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि ये फिल्म जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही पवन सिंह जल्द ही नवरात्र की एल्बम जो है, उनकी आने वाली नवरात्र के गाने, उनकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पवन सिंह के लिए पूरा हैट्रिक शेड्यूल है, पूरी उनकी जितनी डायरी की डेट्स हैं वो भरी हुई हैं काम से ही। आप क्या कहते हैं पवन सिंह के आने वाले गाने के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।